जिनके गुणों के गान में कलश 11 में चलाना है, समय सार में पेज नंबर 42 और इस किताब में पेज नंबर 167। ये 14वीं गाथा के बाद के 3 कलश हैं, इन पर अपन अभी 1-2 दिन में तक व्याख्यान करेंगे। 14वीं गाथा में ये बताया गया है कि है आत्मा बद्ध स्पष्ट अनन्य अवशेष और असंयुक्त और नियत भावों से युक्त है और इनके विरुद्ध वो कर्मों से बंधा नहीं है। ये 5 गोल जो उसमें बताए गए हैं उसकी चर्चा के उपरांत एक कलश है, इसलिए अपन पहले 14वीं गाथा का सारांश पढ़ते हैं। आपकी किताब है ना पेज नंबर 166 निकाला, इसमें हम दूसरे पैरा से पढ़ेंगे, उसमें ये सारी बात आ गई है जो 14वीं गाथा में कही है उसका सार आ गया है। देखो, इस प्रकार शुद्ध नय के विषय भूत भगवान आत्मा को उक्त 5 विशेषणों में से एक विशेषण के माध्यम से अर्थात बद्ध अबद्ध स्पष्ट विशेषण के माध्यम से पर से भिन्न, एक विशेषण के माध्यम से अर्थात अवशेष विशेषण के माध्यम से गुण भेद से भिन्न और शेष 3 विशेषणों के माध्यम से पर्यायों से भिन्न बताया गया है। ऐसे शांति से अपने घर में पढ़ना तो वह सब बात ख्याल में आएगी। पर्यायों में अनन्य विशेषण के माध्यम से नर नारकादि असमान जाति व्यंजन पर्यायों से भिन्न, नियत विशेषण के माध्यम से सद्गुणी हानि वृद्ध रूप स्वभाव पर्याय अर्थ पर्यायों से भिन्न एवं औपसमिक क्षयोपसमिक छायक भावों से भिन्न एवं असंयुक्त विशेषण से औदेक भावों से रागादि विकारी भावों से भिन्न बताया गया है। प्रदेश भेद से भिन्नता को गुण भेद में गर्भित जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा के में गुणों के समान ही प्रदेशों की स्थिति है। जिस प्रकार यह भगवान आत्मा अनंत गुणात्मक होकर भी एक है, उसी प्रकार असंग प्रदेशी होकर भी अभेद है। जिस प्रकार आत्मा में गुण हैं पर गुण भेद नहीं, उसी प्रकार आत्मा में प्रदेश हैं पर प्रदेश भेद नहीं। अब इसको अपन को समझना है और इसके आधार के बाद में वो कलश आते हैं। ये 14वीं गाथा का सार है। 14वीं गाथा में भगवान आत्मा के 5 विशेषण दिए। कौन से भगवान आत्मा के? जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, अपन ने बहुत विस्तार से निश्चय और व्यवहार नयों की चर्चा की और 7 नयों को व्यवहार नय स्थापित किया और अंत में परम शुद्ध निश्चय नय का विषय जो पर से भिन्न माने असद्भूत व्यवहार नय के विषय से भिन्न, फिर परमे से विकारी पर्यायों से भिन्न माने सद्भूत में उपचरित से भिन्न, निर्मल पर्यायों से भिन्न माने सद्भूत में अनुपचरित से भिन्न, और फिर अशुद्ध पर्यायों से भिन्नता की चर्चा में अशुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार पर्याय को प्राप्त हो गया। फिर शुद्ध निश्चय नय में एक से देश शुद्ध निश्चय में सम्मदर्शन आदि पर्याय और साक्षात शुद्ध निश्चय नय में केवल ज्ञान आदि पर्याय ये भी गई, और फिर इन सब से रहित जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बचा, वो भगवान आत्मा कैसा है ये 14वीं गाथा में 5 विशेषणों के माध्यम से समझाया है। उसे कहा है कि वो अबद्ध स्पष्ट है,
अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त है। अब ये पांच विशेषण आपको याद रखना पड़ेंगे। अवध्य स्पष्ट का मतलब होता है कि वो कर्मों से बंधा नहीं है। अवध्य माने बंधा नहीं है, और अस्पष्ट माने उसे कर्मों ने या किसी पर पदार्थ ने आज तक छुआ भी नहीं है। जब छुआ भी नहीं है तो बंधेगा कैसे? ख्याल में है ना। अवध्य स्पष्ट का मतलब है कि कर्मों से बंधा नहीं है, और कर्मों ने और किसी पदार्थों ने उसे आज तक छुआ भी नहीं है। इसके विरुद्ध है बद्ध स्पष्ट, माने जो ये अपेक्षा कहती है कि वो कर्मों से बंधा है और कर्मों ने जकड़ रखा है तो नहीं छूने की तो बात ही कहाँ रही। इन दोनों पक्षों को कमलिनी पत्र के उदाहरण के माध्यम से आचार्य देव ने समझाया कि जैसे कमलिनी का पत्र पानी में डूबा हुआ भी है और पानी को छुआ तक नहीं है, क्योंकि अब उसे हम निकालते हैं पानी में से तो बिल्कुल सूखा निकलता है, वो गीला नहीं होता है। अब पानी में डूबा है तो नीचे ऊपर पानी है तो हम यही कहेंगे छुआ है। ऐसे ये भगवान आत्मा कर्मों के बीच में है, इसलिए कर्मों ने उसे छुआ भी है और बंधा भी है। ये एक अपेक्षा है पर्यायार्थक नय की अथवा व्यवहार नय की। और दूसरा नय कहता है कि नहीं, जैसे कमलिनी का पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखो तो उसे किसी ने छुआ नहीं है, किसी ने बांधा नहीं है, ऐसे ही भगवान आत्मा भी है। तो ये जो छुआ नहीं है इसे हमने ये पर द्रव्यों से भिन्न बताया। इसमें अपना भेद विज्ञान की बात है ना, कि कर्मों से अपने का छुआ तक नहीं है तो बांधेगा तो कोई कैसे, जब छुएगा ही नहीं तो बांधेगा कैसे। और छूने के लिए स्पर्श गुण चाहिए, किसमें? उन दोनों पदार्थों में जो जिसको छुए, जो छुए उसके पास भी स्पर्श गुण होना चाहिए और जिसको छुए उसके पास भी स्पर्श गुण होना चाहिए, तब वो एक दूसरे को छू सकते हैं। अब भगवान आत्मा में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, इसलिए ना वो पुद्गल को छू सकता है ना पुद्गल उसे छू सकता है। जैसे अपने औदारिक शरीर को बांध लेते हैं ना, हथकड़ी डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। अब वैक्रिय शरीर वाले को कोई हथकड़ी डाल के जेल में डाल सकता है? नहीं डाल सकता ना। तो कहते हैं भगवान आत्मा को कर्मों ने आज तक छुआ ही नहीं है, बांधा नहीं है, इसका नाम है अवध्य स्पष्ट। इसका अर्थ हुआ पर से भिन्न, माने दोनों प्रकार के असद्भूत व्यवहार नयों से भिन्न है। अब दूसरा बोल है अवध्य स्पष्ट अनन्य, और तीसरा बोल है नियत, और चौथा बोल है अवशेष। तो ये अवशेष नाम का जो चौथा बोल है ये बताता है ये गुण भेद से भिन्न है। आत्मा में अनंत गुण हैं पर गुण भेद नहीं है। ये तो सातवीं गाथा में अपने टीवी पे भी चल रहा है और शांति जी भी पढ़ा रहे हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से कि गुण भेद नहीं है। तो अविशेष माने गुण भेद से भिन्न, और विशेष माने गुण भेद वाला। तो पांच में से दो विशेषण, एक अवध्य स्पष्ट परद्रव्यों से भिन्नता वाला है, और दूसरा अविशेष विशेषण गुण भेद और प्रदेश भेद से भिन्न बताने वाला है। अब तीन रह गए, कौन कौन? असंयुक्त, नियत और एक अनन्य। तो ये तीन विशेषण पर्यायों से भिन्न बताते हैं। अब तीन प्रकार की पर्याय लो पकड़नी पड़ेंगी हमें,
तो अनन्य विशेषण तो असमान जातीय द्रव्य पर्यायों से भिन्न बताता है। ये नर नरक आदि असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना, तो कहता है ये भगवान आत्मा ना देव है ना नारकी है ना मनुष्य है ना त्रियंच है, इसका नाम है अनन्य। माने इनमें जो एक है वो है, वो चारों पर्यायों में जो एक है वो है, उसका नाम अनन्य। अब कहते देव अन्य है और नारकी अन्य है। अब देखो विचार करें हम कि भगवान महावीर का जीव 16वें सुरक से आया और माँ के पेट में आ गया, तो वो पहले देव था और अब मनुष्य है, तो देव पर्याय और मनुष्य पर्याय अन्य अन्य हैं कि एक हैं? कि देव पर्याय और मनुष्य पर्याय अन्य अन्य हैं, लेकिन उनमें जो रहने वाला जीव है वो अनन्य माने एक है। तो कहते मनुष्य आदि पर्यायों में जाने से ये बाहर से देखने में अन्य अन्य दिखाई देता है, लेकिन ये वास्तव में अन्य अन्य नहीं है बल्कि एक ही है ना। जैसे कोई एक सिनेमा में एक व्यक्ति डबल पार्ट करता है तो उसमें सिनेमा में तो अलग अलग दिखता है ना, एक श्याम और एक राम है, एक गीता और एक सीता दिखती है ना अलग अलग। लेकिन हम सब कहते हैं जानते कि नहीं नहीं ये तो राम ना राम है ना श्याम है, ये तो दिलीप कुमार है, एक ही है बोलते हैं ना जी, एक ही है। ऐसे ही कहते हैं वो भगवान आत्मा इन अलग अलग पर्यायों में जाकर अन्य अन्य नहीं हो जाता बल्कि अनन्य माने एक ही रहता है। तो ये कौन सी पर्याय कहलाई? असमान जातीय द्रव्य पर्याय, इन्हें व्यंजन पर्याय भी बोलते हैं। तो इसने व्यंजन पर्यायों से भिन्न आत्मा को बताया। अब दूसरा है कौन सा? अवश्य जो नियत, तो नियत माने ये है षठगुणी हानि वृद्धि होती ना आत्मा में, सुनी तो होगी अन्ना जी ने पढ़ाई होगी कि षठगुणी हानि वृद्धि से वो घटता बढ़ता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। वो कहते हैं कम ज्यादा होना आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो तो एक नियत है बिल्कुल, वो अपने ज्ञान स्वभाव में नियत है, वो कभी कोई घटता बढ़ता नहीं है। अनियत माने घटना बढ़ना और नियत माने घटना बढ़ना नहीं। अब उनने समुद्र का उदाहरण दिया इसके लिए कि समुद्र जो है वो घटता बढ़ता रहता है ना। आप जानते हैं अमावस के दिन उसमें भाटा आता है, माने बहुत कम पानी हो जाता है, एकदम किनारे से बहुत दूर चला जाता है। जैसे बम्बई में किनारा है ना, दीवार बनी हुई है, तो उससे बहुत दूर चला जाता है और पूर्णमासी को एकदम आधा के टक्करें मारता है जोर जोर से दीवार में, तो मीलों अंदर चला जाता है। तो घटता बढ़ता है ना समुद्र, हम तो देखा है घटते बढ़ते। ज्वार बोलते हैं जो पूर्णमासी के दिन उसमें आता है जोर से उसे, और जो कम हो जाता है उसे बोलते भाटा। वो तो सूरज के चंद्रमा से उसका संबंध जोड़ते हैं कि क्योंकि पूर्णमासी को बढ़ता है ना और अमावस्या को घटता है। अब आज के वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखें तो वो क्या है, पृथ्वी ऐसी थोड़ी सी ऐसी हिलती है, तो जब हिलेगी तो उस पर जो पानी है वो उधर से इधर को आएगा ना, तो इधर बढ़ जाएगा तो उधर घट जाएगा। उस जहाँ से वो ऐसी एक थाली में पानी रखो जरा ऐसी करो तो एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा ना एक तरफ कम हो जाएगा ना, और वो अमावस के दिन ऐसी हो जाए थोड़ी तो उधर बढ़ जाता है इधर घट जाता है। जब यहाँ भाटा हो रहा है तब कहीं ज्वार आ रहा है, और जब वहाँ
न ज्वार, यहाँ ज्वार आ रहा है तो वहाँ भाटा हो रहा है। खैर जो भी हो, अपन को तो एक घटने बढ़ने से मतलब है। अभी यदि घटता बढ़ता है वो अपने नियत स्वभाव में नहीं हो, तो समुद्र के किनारे ये बम्बई जैसे बड़े बड़े महानगर बसे हैं जिसमें दो दो करोड़ की बस्ती है, बिल्कुल समुद्र के किनारे 25-25 मंजिल के मकान बने हैं। क्यों जी? वो समुद्र बढ़ जाए, जैसा अखबारों में आता रहता है ना, कभी बढ़ जाएगा, पूरी बम्बई डूब जाएगी, इसी द्वारका डूब गई। लेकिन फिर भी सबको विश्वास है ना कि घटेगा बढ़ेगा ये बात पक्की है, लेकिन इसके बढ़ने की भी एक मर्यादा है और घटने की भी एक मर्यादा है। सब जानते हैं घट के जाएगा तो 1 किलोमीटर तक जाएगा, वहाँ तक खाली हो जाएगा समुद्र, और बढ़ेगा तो बस इतनी ठोकरें मारेगा इस किनारे पे, फिर ऐसा बढ़ के बाहर निकल के आ जाए पानी, ऐसा कभी नहीं होगा। उस समुद्र अपनी मर्यादाएं उल्लंघन करने लगे और उसका भरोसा जनता को नहीं हो तो समुद्र के किनारे कौन बसे? हमारे गुरुजी एक किस्सा सुनाया करते थे, मक्खनलाल जी जो हमें पढ़ाते थे मुरैना में, उनके गांव के उनके मित्र थे, उनका नाम था सोनपाल, वे भी पंडित हो गए थे, शास्त्री न्यायतीत हो गए थे दादा। तो वो कहते थे कि एक बार उन सोनपाल को कोई बम्बई अपने साथ में ले गया, गोपाल दादी बरैया ले गए होंगे, जो भी ले गए, तो वहाँ समुद्र को देखकर और उसकी वो बाढ़ वो देखकर वो तो भागे, रुके ही नहीं कि मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि ये बढ़ रहा और एकदम बढ़ गया, इसमें बाढ़ आ गई तो मेरी हालत क्या होगी। उन्हें बहुत समझाया लोगों ने, वो सुनाते थे कि भाई ऐसा नहीं आती है, नहीं आएगी, क्यों घबरा रहे हो? कि नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या भरोसा है इसका? आश्वासन तुम दे रहे, ये थोड़ी दे रहा, ये तो एक इंद्री है पानी, तो तुम्हारी बात कौन सा मानेंगे? और बोले वो भाग गया है, वो बम्बई में रुके नहीं 1 घंटे, जाके स्टेशन से गाड़ी में इंतजार किया और बैठ के भाग गया। सब करोड़ों लोगों को भरोसा है ना, हमें तुम्हें भी है ना। तो एक भगवान आत्मा सद्गुणी हानि वृद्धि में घटता बढ़ता है, लेकिन हमें मालूम है कि वो घट बढ़ के ऐसा नहीं बढ़ जाएगा कि बढ़ करके पुद्गल हो जाए, कि घट करके मेरे को खत्म ही हो जाए, ऐसा नहीं है। वो अपनी मर्यादा में घटता है, अपनी मर्यादा में बढ़ता है, इसलिए कोई खतरा नहीं है। तो कहते हैं वो घटने बढ़ने की तरफ तुम देखो ही मत। ये भगवान आत्मा का जो सद्गुणी हानि वृद्धि होती है वो दृष्टि के विषय में नहीं आती, ध्यान का ध्येय नहीं बनती। और पर्यायों को तो आप निकाल सकते हो, मनुष्य देव पर्याय निकल जाती है ना, सद्गुणी हानि वृद्धि को कौन निकाला है, और हर एक द्रव्य में है ना। लेकिन हम दृष्टि में उसे गौण कर सकते हैं। अगर तुम अपने भगवान आत्मा को अनियत माने घटने बढ़ने वाला नहीं जानो, नियत जानो, दो तरह की पर्याय हो गई ना, एक कौन व्यंजन पर्याय असमान जाति द्रव्य पर्याय और दूसरी सद्गुणी वाले हानि वाली। नियत में से सद्गुणी हानि वाली वृद्धि निकली और अनन्य वाले बोल से वो निकली कौन सी, व्यंजन पर्याय असमान जाति द्रव्य पर्याय। अब असंयुक्त नाम का एक विशेषण है कि उससे राग द्वेष की विकारी पर्यायों से वो संयुक्त नहीं है। तो इस तरह 3 प्रकार के पर्यायों का निषेध है, एक गुणभेद का निषेध है, प्रदेश भेद का निषेध है, और एक गुणभेद प्रदेश और एक कर्मों से बंधा हुआ नहीं है। तो ये 5 बातें उस त्रिकाली द्रुव भगवान आत्मा जो दृष्टि का विषय है, जो ध्यान का ध्येय है, उसकी ये विशेषताएं बताएं। इसमें बहुत विस्तार से 8 व्याख्यान हो गए अपने इसमें उपलब्ध, 8 व्याख्यान इस गाथा पर जो सार बताया ना आपको, इसको 8 मिनट में। अब उसके बाद 3 कलश हैं जिन पर अपन को चर्चा करनी है। पढ़ो भाई 11वां कलश।
पावेन जिसमें प्रतिष्ठा कौन बस तैरते हैं बाह्य में कौन। ये बद्ध स्पष्ट आदि जो पांच भाव हैं अभी कौन से सुनाए थे, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अवशेष और असंयुक्त। अब इनके उल्टे लगाओ, अबद्ध स्पष्ट का उल्टा बद्ध स्पष्ट, अनन्य का उल्टा अन्य अन्य, नियत का उल्टा अनियत, अवशेष का उल्टा विशेष और असंयुक्त का उल्टा संयुक्त। तो बद्ध स्पष्ट आदि भाव है ना इसमें ना, कि बद्ध स्पष्ट आदि भाव देखा ना, बद्ध स्पष्ट भावादयो मी नहीं विदधति यत्र प्रतिष्ठां। कहते हैं कि बद्ध स्पष्ट आदि भाव कौन कौन हुए, पांच भाव बताएगा कोई, बोलो बोलो पांच बनाने वो उल्टे वाले। हाँ, बद्ध स्पष्ट अन्य अन्य अनियत विशेष और संयुक्त, ये पांच भाव ये कह रहे कि जिसमें प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते माने जिसमें प्रवेश नहीं कर सकते और स्फुटम ऊपर एव तरंतो बिल्कुल ऊपर ऊपर तैरते हैं, हैं पावेन जिसमें प्रतिष्ठा बस तैरते हैं बाह्य में, ये बद्ध स्पष्ट आदि सब जिसके न अंतर्भाव में माने जिस भगवान आत्मा के ये बाहर बाहर ही तैरते हैं। अब बाहर बाहर तैरते कैसा मत समझ लेना कि आत्मा इधर है और इधर तैर रहे हो, स्मारक के भीतर है और वे स्मारक के बाहर सड़क पर तैर रहे हो, ऐसा नहीं है। यद्यपि ये भाव उसी भगवान आत्मा के उन्हीं असंख्य प्रदेशों में और अनंत गुणों में हैं, और वो ऐसा भी नहीं है जैसे कि इधर से ऐसे ऊपर ऊपर लिपटे कुर्ता जैसे पहने ऐसा हुए, चमड़ी जैसे भी नहीं है, वो तो एक एक गुण में उसके एक एक अभागी प्रतिच्छेद में एक एक प्रदेश में उसमें ही हैं, तो फिर भी उसके बाहर तैरते हैं इसका क्या मतलब। अपना राग रोम रोम में आत्मा के में समाया है हर प्रदेश में, क्योंकि इसका रूप सब गुणों में है कि नहीं और सब गुणों की सब पर्यायों में है कि नहीं, ऐसा मिल गया है, फिर भी कहते हैं कि उसके स्वभाव में इसने प्रवेश नहीं पाया है। जैसे वो नमक की डली और दाल में और पानी में एक रोम रोम में भिद गई है, वो दाल का जो दाना है ना उसके अंदर भी वो नमक पहुंच गया है, ये आती है मूंगफली कैसे बिल्कुल तत्काल निकाल के लाते हैं, बिल्कुल कच्ची बिल्कुल ताजी, मतलब जो सूखी नहीं, कभी देखी होगी बम्बई बम्बई में मिलती है, तो वो मूंगफली में नमक के पानी में उसे खोलाते हैं बिल्कुल ऊपर साबुत, वो साबुत खोलती है और बाद में जब उसे तोड़ तोड़ के खाते हैं तो उसकी जो अंदर मिगी होती है उसमें भी नमक पहुँच गया होता है, क्या क्यों दिलीप भाई खाई कभी
और उस अंदर में उस रोम रोम में वो समझ आता है, तब भी आचार्य कह रहे कि उसने उसमें प्रवेश नहीं किया, वो बाहर बाहर ही लौट रहा है, बहिरे वे ही लुंटती। तो ये बाहर बाहर क्या है? ये बाहर बाहर भाव की दृष्टि से है ना? क्या आकाश के प्रदेशों में भले ही दोनों एक हों, लेकिन उनका जो स्वभाव है वो बिल्कुल जुदा जुदा है। ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव जिसमें रंच मात्र भी प्रतिष्ठा नहीं पाते हैं और बाहर बाहर ही लौटते हैं। इस कलश में लिखा कहाँ अपन पढ़ रहे हैं, पावे न जिसमें प्रतिष्ठा, बस तैरते हैं बाह्य में। ये बद्ध स्पष्ट आदि सब जिनके न अंतर भाव में, जिसके ना अंतर्भाव, जो है प्रकाशित चतुर्दिक उस एक आत्म स्वभाव का। ये आत्म स्वभाव सर्वत्र प्रकाशित है, निरंतर प्रकाशित है, पर्याय पर्याय में, प्रत्येक गुण में, प्रत्येक अपनी पर्याय में। ये कौन सा? जो अवध स्पष्ट स्थादि से युक्त है वो आत्मा का स्वभाव सब में प्रकाशित है। हे जगत जन, तुम नित्य ही निर्मोह हो, अनुभव करो। ये निर्मोह होना माने क्या? कि पर पदार्थों में एकत्व का मोह मत रखो। पहले कलश में आ गए ना, तुम एकत्व के मोह को छोड़ो, आता क्या नहीं है? मोह माने हम क्या समझते हैं, जब मोह की चर्चा जब भी आती है तो जब हम थोड़ा अपना राग रखते हैं ना, अपने माँ बाप से, पत्नी से, बच्चों से, जो पारिवारिक हम राग देखते हैं ना, उसको हम मोह समझते हैं। ये तो मोह में पड़ गए, अपन कहते हैं तो मोह में पड़ गए, ये मोह में पड़ गए। अरे बाल बच्चों के साथ रहना ये मोह में पड़ना नहीं है। भरत चक्रवर्ती मोह में पड़ा था क्या? वो तो कहते निर्मोही है, कहते ना सम्मदृष्टि था ना। मोह माने मिथ्यात्व, मोह माने उसमें एकत्व बुद्धि, मोह माने उसकी कर्तृत्व बुद्धि। अपन बोलते क्या बोलते हैं, मोह राग द्वेष बोलते ना। जब तीन अपन ने बोल दिए तो चारित्र मोह को लेना होता तो उसको तो राग द्वेष में आ गया। राग द्वेष माने 25 कसाएं, अपन ने कसार भी अलग बोल दी तो मोह में अकेला दर्शन मोह रह गया और अनादिकाल से अकेला मिथ्यात्व है। दो प्रकृतियां तो जब वो टूट के टुकड़े होते हैं तब बनती हैं, अनादि से नहीं है। वे तो एक दफे जब वो सम्यक दर्शन होता है तब टूटती हैं। वे कैन लब्धि में टूटती हैं, समझिए ना, माने वे मिथ्यात्व की भूमिका में टूटती ही नहीं है। तो मोह माने मिथ्यात्व, ये रखना याद। हमारे मोह के साथ में जो हम थोड़ा सा अपने बाल बच्चों से राग द्वेष करते हैं, प्रेम रखते हैं ना, हम उसको मोह समझते हैं। वो मोह मोह है नहीं, उसमें कुछ दम नहीं है, वो तो एक झटके में टूटता है। हो गया ना भरत चक्रवर्ती का, एक झटके में, एक समय पहले था, उसमें कुछ दम नहीं है। ये उससे अनंत गुणा ताकत वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चारित्र मोह की जो चार प्रकृतियां हैं, अनंतानबंदी, क्रोध, मान, माया, लोग और तत्संबंधी हास्यादिक, वो तो इसके साथ ही मर जाती हैं। उसमें भी जो असली जहर है वो तो खत्म हो जाता है। अब बाकी तो बिना जहर के सांप जैसी रह गई। अब वे भी रमेश इतनी ताकतवर हैं कि वे 96,000 दफे फेरे पड़वा लेती हैं और 6 घंटे की जिद्दी के लड़ने के लिए भेज देती हैं। ये जो तुम्हें राग दिखता है, जिसको तुम राग देश कहते हो, वो तो अनंतानबंदी राग देश है ही नहीं। अनंतानबंदी क्रोध, मान, माया, लोभ थोड़ी है। हम क्या समझते हैं, जिसके अनंतानबंदी है ना तो उसके सारा काम अनंतानबंदी से ही होता है, ऐसा नहीं है। चारों कसाएं अपना अपना काम कर रही हैं। देखो, आपको यदि केवल ज्ञान नहीं हो रहा, दसवां गुणस्थान नहीं हो रहा है, तो आपको संतुलन कसाई की वजह से नहीं हो रहा। यदि आपको मुनि दीक्षा नहीं हो रही है तो वो प्रत्याख्यानावरण कसाई की वजह से नहीं हो रही है। यदि आपको अनुभूत नहीं हो रहे हैं
तो वे अप्रत्याखाना बन कसाय के उदय से नहीं हो रहे हैं, और आपको आत्मानुभूति नहीं हो रही है तो वो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के उदय से नहीं हो रही है। तो अभी सब ही नहीं हो रहा है ना आपको, तो सब अपना अपना काम कर रहे। ये अनंतानुबंधी आपके वितराग दशा को नहीं रोक रही, समझ गए ना। फिर वो संतुलन क्या करेगी, क्योंकि ये रोक रही होती अनुव्रत को नहीं रोक रही, महाव्रत को नहीं रोक रही, क्योंकि रोक रही होती तो इसके चले जाने पर हो जाते वे। इस तर्क समझ में आया कि नहीं है। अनंतानुबंधी चली जाएगी और मिथ्या तो चला जाएगा, और फिर भी अनुव्रत नहीं होते हैं, महाव्रत नहीं होते हैं, इसका मतलब इसने नहीं रोके थे है? इसका मतलब ये हुआ कि इसने नहीं रोके थे। ऐसे लोग बहुत कहते हैं ना, अभी कि मैं पहले वो उदाहरण दिया था कि साहब आप जरा कह दो तो हो जाएगा, आप जरा कह दो तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है आपके कहने से सब हो जाता है, आप जरा कह दो। अच्छा कह दें भैया, हम कहते नहीं होएगा। यूनिवर्सिटी के लिए चले गए फार्म, अब कोई विद्यार्थी भर्ती नहीं हो सकता, हमारा बाप भी कहेगा तो नहीं होगा। बस अरे आपकी वाणी में कितनी ताकत है, आप देखो कितनी स्वभाव ये समझा देते हैं है? रामदेव जैसी सभा भी मिल जाए तो भी आप समझा सकते हो। आप जो थोड़ा कह दो, अच्छा कह देते हैं भैया इन्हें भर्ती कर लो, मैं कह रहा हूँ सिफारिश कर रहा हूँ कर लो। कहते वो क्या बात कर रहे हैं, अब हो ही नहीं सकती है? क्यों, तो पता चलता है ना कि हमारे कहने से नहीं होता है। अब जो भ्रम बना है लोगों को बना रहने दो, हम उसे आज दुनिया इज्जत कहती है, कि जो हमारी इज्जत बनी है उसे बनी रहने दो। ऐसा कहते कि नहीं कहते है? क्यों, मैं ये कहता हूँ लोगों से, जब से मेरे से लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति से आप ये बात कह दो, मैं नहीं कहूँगा। कि क्यों नहीं कहोगे, जिसको मैं पहले ही जानता हूँ कि जे मेरी बात मानने वाला नहीं है, क्या मुझे पक्का पता है, तो मैं कहता अपनी इज्जत खराब क्यों करूं उससे कह के, भरम बना रहने दूं ना। नहीं नहीं साहब, आपकी तो मानेंगे क्यों, तुम्हें मेरी इज्जत दांव पे लगानी ही है। अरे ऐसा नहीं है। तो जब जिसमें हमारा कुछ चलता ही नहीं है उसमें कुछ करने का विकल्प करना, उसके बारे में कुछ कहना, उसके बारे में मन में भी कुछ सोचना समझदारी का काम है कि ना समझदारी का काम है? एक मिनट में कह देगा कि दादा आप जागो, आपके लिए जान हाजिर है, जान दे सकता हूँ, लेकिन ये बात मत क्या कह रहा, ये बात मत कहो, ये बात हमने यार मान लिया, ये तो हम अपने मन में। एक सेकंड में कह देगा क्या होगा बोलो। यहाँ कह रहे कि जिसके अंदर में ये बद्ध स्पष्ट भाव प्रतिष्ठा को नहीं पाते, ये किसकी बात हो रही है, जो आत्मा आठों ही कर्मों से बंधा है उसकी बात हो रही, कि संबंध दृष्टि की मिथ्या दृष्टि की केवल ज्ञानी की बोलो, ये तो निगोदिया आत्मा की बात हो रही है, जिससे जो कर्मों से नहीं बंधा है उसकी बात नहीं हो रही है, जो बंधा है उसके बारे में कह रहे कि वो नहीं बंधा है, बिल्कुल पक्की बात है। क्या जो नर नरक आदि पर्यायों में घूम रहा है उससे कह रहे कि वो कहीं गया ही नहीं, वो कभी देव नारकी मनुष्य हुआ ही नहीं, वो तो आत्मा ही रहा, वहां जहां गया जहां आत्मा रहा है? कि वो बहुत हलचल होती है ना अंदर, अनंत गुणी हानि वृद्धि, अरे वो बिल्कुल इसके अंदर कोई हलचल नहीं होती, शांत गंभीर समुद्र जैसा। गंभीर बोलते कि नहीं बोलते, ये समुद्र के पेट में कितनी हलचल होती है, कितने नक्ष चक्र घूमते हैं, कितने जीव जंतु अंदर आ जाते हैं, फिर अपनों से बोलते हैं ना बिल्कुल शांत गंभीर समुद्र जैसा गंभीर बोलते हैं ना, उदाहरण देते हैं। तो
तो क्या कहते हैं, पावे न जिसमें प्रतिष्ठा, पर तैरते हैं बाह्य में। अपन निर्मोह पे उलझ गए थे। इन निर्मोह माने वो भगवान आत्मा निर्मोह है, ये कह रहे। अब तुम्हें उसमें मोह नहीं है, उस भगवान आत्मा को मोह छोड़कर, माने उनमें एकत्व मत छोड़कर किसमें, अन्य पदार्थों में, और तुम उसमें उसका अनुभव करो। वो उसके अनुभव करने की बात करते हैं। अपन क्या समझते, अनुभव कैसे, आंखें बंद करके ऐसे करें, कैसे होगा, जैसे होगा ऐसा तो होगा, क्यों नाक की नोक पर देखो, ऐसा देखो वैसा देखो, दुनिया भर की बातें होती हैं। वो तो ये क्या कह रहे हैं, वे तो ये कह रहे हैं कि ये तुम्हें मनुष्यादि पर्याय, देखो क्या क्लियर है कि नहीं, शरीर माने परद्रव्य है, तो वो तो अवध स्पष्ट में गया, क्यों गया ना, शरीर नौकर्म है ना, द्रव्य कर्म गए, और भाव कर्म असंयुक्त में गया, राग देश मोह। फिर सदगुणी हानि वृद्धि नियत में गई, फिर गुण भेद प्रदेश भेद अवशेष में गए, ये सभी गए ना। ऐसा जो भगवान आत्मा है, अभी तू मिथ्यात्व की भूमिका में है, तो कह रहे तू उसको निर्मोह होकर तुम अभी उसका अनुभव करो। ये करो तो भाषा है, हो प्रेरणा की भाषा तो ऐसी ही होगी ना। बहुत लोग प्रश्न करते कैसे करें, कब करें, क्या करें, आप बता दो ना, हम दो लोग तैयारी करने को बैठे हैं, हैं? कब कैसे कर लें उसका अनुभव, यही तो कहते हैं। ध्यान के बिना तो वो कैसे होगा, क्या करें, ऐसे बैठ जाएं, ऐसा करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रख लें, तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखोगे बेटा तो अवध स्पष्ट बोल को भूल गए, तो गुस्सा नहीं करें, मान नहीं करें, फिर शांति से रहें, क्यों, तो तुम असंयुक्त बोल को भूल गए, है? क्यों हमें हो जाएगी, मनुष्य को हो जाती है पंचम काल में, तो तुम अनन्य बोल को भूल गए, क्यों भैया, हम ऐसे बिल्कुल स्थिर तो हो सकते हैं, लेकिन अब सांस तो चलती ही रहेगी, तो पेट तो आगे बाहर हो गई, अनुलोम विलोम तो होता ही रहेगा, क्यों क्या करें, तो तुम कौन सा बोल भूल गए, नियत नाम का बोल भूल गए। सद्गुणी हानि वृद्धि तेरे आत्मा में भी होती है, तो शरीर में हो रही है, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होती रहेगी, तो भी तू उससे रहित आत्मा को देख सकता है। ये सब समझ में आ रहा है ना, उसका तुम अनुभव करो। तो वो क्या कहता है, एक कलश में आई दुनिया, क्या कहती है, कलश में आचार्य अमृतचंद ने लिखी है कि जब तक वो फीकी ना पड़ जाए तब तक भगवान आत्मा प्रकट हो गया। ऐसे आता क्या नहीं आता, कौन सा कलश है बोलो, वो अनुभूति फीकी नहीं पड़ी क्या, भगवान आत्मा प्रकट हो गया। पीछे निकल गया, मेरे ख्याल से पीछे ही है वो, कहीं कलश है, जब मिल जाए तब बता देना, अभी तो अपन आगे बढ़ते हैं। कौन सा 29 बोलो भैया, 29 उसका पद्यानुवाद बोलो, 29 का हाँ बोलो बोलो क्या है।
कल है ना, जब तक वो फीकी नहीं पड़े तत्काल तुम कर लो। अब तरती नहीं आवत वृत्ति अत्यंत वेगाद अनपरम भावा त्याग दृष्टान्त दृष्टि झटित सकल भाव ही अन्य दई ये विमुक्ता स्वयं अनुभूति तत् आनंद। कहते वो प्रभाव के प्रत्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े, माने परद्रभिन्न परद्रभिन्न हमने ही दृष्टि अंदर में पक्की करी ना, तो ये बात फीकी ना पड़ जाए। क्योंकि अब भी हाल उठोगे वो धंधे पानी में लग जाओगे, काम में लग जाओगे, खाने पीने में लग जाओगे, तो वो कहते भीकी पड़े। इसके आधार पर बहुत से लोग कहते हैं दादा कि अब क्या करें, जब वो ऐसी बात हो गई तो तब एकदम ऐसे एक पर बैठ जाए। कैसे बैठ जाओ ऐसे, तो फिर शरीर में चला गया ना तू कहाँ चला गया, तुझे देह की क्रिया में ही सब कुछ दिख रहा है। अब स्पष्ट आत्मा को अभी समझा कहाँ है, इसको ऐसी ही कोई क्रिया बताओ, इसको एक समझ में आता। तो हम कोशिश नहीं करें कि टोडरमल जी ने लिखा कि तुम तत्व निर्णय करने का कोशिश करना कि मैं बद्ध स्पष्ट आदि भिन्न विशेष भिन्न हूँ, और उसमें तेरी रुचि का जोर पड़ेगा उसमें से ये हो जाएगा। एक करों करों की बात क्यों करता है तू, वो तो हो है, वो तो होता है, करता नहीं है कोई। क्या हमारे वैसे वो कहते साहब क्या करें, जब अंदर कभी कभी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भाई बिल्कुल अपने समझने प्राप्त करना ही है, ये मनुष्य अब चला जाएगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना। और भाई ऐसा उदाहरण दिया है शास्त्रों में कि अपनी ये मनुष्य पर्याय मालूम कैसी है, कि भयंकर रात्रि हो, बादल हो, अमावस की रात्रि हो, भादों का महीना हो, है ना, अरे कलसों परसों की अमावस हो, भादों के महीने की, और बरसात ही तेज आने की, आज द्वादशी है तो तीन दिन बाद आ जाएगी ना, घना अंधकार बिल्कुल। अब कहते हैं कि हमें सुई में डोरा डालना है, तो ऐसा तुम हाथ में लेके रखो सुई और डोरा, और जब बिजली चमके आकाश में, ध्यान से सुनना, तब तुम फटाफट डाल लेना, नहीं तो वो एक सेकंड में चली जाएगी, फिर तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसा है आत्मा का कल्याण का काम, ये मनुष्य भव वो बिजली चमकने जैसा है। इतने 60-70 वर्ष दिखते ना तेरे को, बहुत दिखते हैं क्या अजित भाई है? इतने लंबे काल में ये उतना कम काल है, कितना कम काल, कि जैसे वो पूरी रात में एक क्षण भी क्या कहें, वो बिजली चमके उतने में बोले, तो ऐसे ही इतने अनादि अनंत काल में एक मनुष्य पर्याय वो बिजली के चमकने जैसा है। अब उसमें तू चूक गया तो गया बेटा, बस ये देह चली जाएगी। जब ऐसा बोलते हैं ना वैराग्य से, तो देह तो कहते देह चली जाए उसके पहले, देह ना चली जाए उसके पहले, तो देह को ना चली जाए तो सब छोड़ छाड़ करके, तो देह के लिए दवाइयाँ, तो व्यायाम, फिर प्राणायाम, फिर सुबह से जाकर के उधर है ना, वो टांगे ऊपर करो, टांगे नीचे करो, ये शुरू हो जाता है। क्या करें, देह छूटने के पहले हो जाए तो देह ना छूट जाए। अब लेकिन देह से क्या लेना देना है तेरे को, तू देह है ही नहीं। ये कौन से बोल में आया, अनन्य वाले में, तू मनुष्य नहीं है ना, अबद्ध स्पष्ट में भी आ गया पर अनन्य वाले में भी आ गया। तो ये जब तू को जब कोई विद्वान समझाए ना, तो विद्वान भी एकदम भावुक होके आंखों में आंसू ला करके ऐसा ऐसा करके, और सारी जनता भी गदगद हो जाती है ना कभी कभी, अरे ये तो सिनेमा में महिलाएं वहाँ रोने लगती हैं, यहाँ रोने लगी तो क्या गजब हो गई, इनमें है दम क्या है ना, इन्हें रुलाने में और हंसाने में दम क्या है। अरे आदमी भी उसे पीछे नहीं घबराओ मत, मैं भी उन्हीं में से हूँ, ये सिनेमा देखते देखते मैं भी कई दफे रोया हूँ, लेकिन सब पागलपन है।
ये कोई क्वालिटी नहीं है, हम उसे क्वालिटी के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि मेरा हृदय तो बहुत कोमल है। तो कोमल हृदय वालों का काम नहीं है आत्मा का अनुभव करना, ये तो वज्र जैसे हृदय वालों का काम है। जैन दर्शन का मार्ग ज्ञान का मार्ग है, हृदय का मार्ग नहीं, भावुकता का मार्ग नहीं। ये जैन धर्म में रोना फोना नहीं है, ये आंसुओं से कुछ होने वाला नहीं है। आंसुओं से असाधा वेदनी कर्म का बंध होता है, कहाँ लिखा बोलो? तो बोलो तत्वासूत का सूत्र पढ़ो, दुख सुख ताप है ना, तप ताप प्रताप भी तो ये है ना। ये रोने लग गया भगवान के सामने आके, रोने लग गए मूर्ख। ये कह रहे कि तू भगवान आत्मा है, तू इनसे सब भिन्न है, इतने तेरे भगवान आत्मा की महिमा आई और तेरे को रोना आता है। तो क्या हंसने लगूं? तो हंसना भी तो कसाय है, यानी वो आत्मा में अपनापन आए उससे हमारी पर्याय में किस जाति की गंभीरता होना चाहिए अभी हमें उसका भी होश नहीं है। क्या करूं क्या करें? जब मैं भगवान महावीर जयंती पे उसमें समझाता हूँ, दिवाली पे कैसे मनाए फिर दिवाली? हंसे नहीं, रोए नहीं, गाए नहीं, कैसे मनाए? अरे भाई, भगवान कल तक उपदेश दे रहे थे, हम उनकी दिव्य ध्वनि सुन रहे थे, कितना 7 घंटा और 12 मिनट, और आज वो अचानक चुप हो गए, कुछ बोल नहीं रहे, और कल दिन नहीं होगा और चले गए। अब उस वक्त यदि हम होते तो हमारी कैसी हालत होती? बस तुम वैसे होना चाहिए दिवाली के दिन। अब हमसे पूछो हंसेंगे रोएंगे गाएं, हम क्या बताएं? तबला बजाएं क्या नहीं बजाएं? बोलो क्या करें, क्या बताएं हम अब आपको? क्यों आत्मा, हम क्या करें आत्मा की अनुभूति हो तो? अरे तुम सारे जगत से अपनापन टूट के एक विकल्पात्मक ज्ञान में तो भले आदमी एक दफे ला कि ये मैं हूं, ये तेरे विकल्पात्मक ज्ञान में तो इनके संभाल का विकल्प टूटे क्या? टोडरमल जी कहते हैं तेरा तो एकमात्र पुरुषार्थ तत्व निर्णय करने का है, लिखा ना, तुम वो कर, और बाकी सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया से होने वाला है। वो होने की चीज है, वो करने की चीज नहीं है। हम आज तक हमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसे करने का प्रयास किया है? उसे हमने करने का प्रयास किया, वो करने की चीज नहीं है भाई साहब, वो तो होती है। भाषा कहीं कहीं करने की आ गई, यहां ही है कि हे जगत जिन तुम नित्य ही निर्भय हो, अनुभव करो माने वो भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा अनुभव करो। अनुभव करो माने ऐसी अंदर में प्रतीति लाओ। लाओ तो एक दफे, मैं आपसे कहता हूं इस सिनेमा के जो एक्टर होते हैं ना, तो वो असली एक्टिंग करने के लिए बरसों वहाँ जाकर उनके उन पात्रों को देखते हैं। एक नायिका उसको हीरो हीरोइन को बेस्या का पाठ करने को दिया, तो बेस्या नाचने का धंधा करती थी, तो उसके लिए नृत्य सीखती है कि नहीं? क्यों, वैसे कपड़े लत्ते पहनती कि नहीं? अरे वो वहाँ दो दो महीना जाकर उसी टाइप की जिस टाइप की बेस्या उसे बनना है उनके बीच में रहकर उनकी बारीकी से स्टडी करके उनके 24 घंटे की लाइफ कैसी होती है, उनकी चिंतन धारा कैसी होती है, ये करती हैं, तब वो रियल आती है उस बात वहाँ। वे उस वक्त ये अनुभव करते, जब कोई वहाँ पर उनके पिता का स्वर्गवास होता है काय में फिल्म में, तो वो लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि सचमुच उनका बाप मर गया है, तब वो उनसे असली आंसू निकलते हैं। क्या नहीं तो उनको उन आंसुओं के बीच में हंसी आ जाए। इसको शास्त्र में क्या बोलते हैं दादा, अपने साहित्य में वो
एक शब्द आता है, हैं, साधारणीकरण। हाँ, साधारणीकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत बड़ा लेख है साधारणीकरण पे, हमने 50 पेज का लेख होगा। साधारणीकरण, साधारणीकरण का मतलब क्या है? देखो, जब आप रामायण पढ़ते हो तो उसमें आप उनमें से कोई एक पात्र बन जाते हो। और कौन से पात्र बनते हो आप? जो हीरो होता है, पुरुष होगा तो हीरो वाला, और नहीं वो नारी होगी तो हीरोइन बन जाती है अपने कल्पना में। और जब जब हीरो पे मार पड़ती है तो वो ऐसे रोता है कि जैसे ही वो खुद ही पिट रहा हो। और जब हीरो की कोई खुशी होती है तो ऐसे अभिमन्यु मरता है तो वो अर्जुन बन गया है तो जैसे अर्जुन रोता है वैसा रोता है। आप समझ गए ना, वो उसे साधारणीकरण हो जाता है। और वहाँ पर उसको हिंसा से कुछ दुख नहीं है। जब दुर्योधन के बेटे मरते हैं साथ तो खिलखिला के हंसता है, उससे कोई मृत्यु से थोड़ी दुख होता है। समझ में आया ना, ये कोई महान लोग नहीं है ये रोने वाले हंसने वाले। क्यों? कि उनको वो बच्चा मर गया इसका दुख नहीं है, वो अपना मर गया दुख इसका है। ये दूसरे बच्चे कितने मरते रहते हैं, उनको कहाँ विकल्प आता है? क्यों? मैं तो ऐसा बोलता हूँ ना अपने अहिंसा वाले व्याख्यान में कि हाथ से हम चाय पीते रहते हैं, हाथ कांपता नहीं, हाथ से चाय का प्याला छूटता नहीं, फूटता नहीं। और बड़े मज़े से पड़ोसी को सुनाते हैं कि बिहार में भयंकर बाढ़ आई है। समझे ना, ऐसा नहीं है। वो जो रोने लगते हैं वो साधारणीकरण हो जाता है उनका। और वो कहते हैं कि जब तक काव्य में साधारणीकरण नहीं हो, नाटक में, उपन्यास में, जब वो पढ़ने वाला उसमें कोई पात्र बन के उसमें रम ना जाए, तब तक वो लेखक सफल लेखक नहीं है। तो तुम अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वरूप समझ कर भले आदमी उसके साथ साधारणीकरण तो करो कि वो तो मैं हूं। तो जैसे वे पड़ोसी का बच्चा मरता है और हमारी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर तेरा ये पड़ोसी ये मरेगा तो तेरी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आएगा। देखा ना, इसको पड़ोसी होकर देख। क्या क्या वर्ष षण मास में एकम, क्या है पड़ोसी बनकर, है ना, पार्श्ववर्ती मुहूर्तम अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। कहते तू इस शरीर को एक क्षण के लिए, मुहूर्त भर के लिए पड़ोसी बन के देख। पड़ोसी का क्या अर्थ है? कि ये मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव कर। और ऐसा मत समझ के जो अमेरिका है कि पाकिस्तान है, ऐसा समझ के ये बिल्कुल पड़ोसी है। और पड़ोसी में क्या फर्क हुआ? ये फर्क हुआ कि पड़ोसी के घर में और अपने घर में आग लगे तो पहले कौन सी बुझाना? अपने घर की इसमें तो नक्की बात है। अब अपने घर में लगे ही नहीं और पड़ोसी के घर में लगे तो बुझाना क्या नहीं बुझाना? जरूर बुझाना, क्योंकि नहीं बुझाएगा तो थोड़ी देर में अपने घर में लग जाएगी। क्या समझे ना, वो उसके उसकी आग बुझाने से हमें कोई मतलब नहीं है। वो हमारे घर में ना लग जाए इसलिए हम पड़ोसी का की आग बुझा रहे हैं। चाइना तिब्बत में आ गया, इधर आ जाए नेपाल में, श्रीलंका में आ जाए तो हमें क्या, हमारा हमें क्या लेना है? श्रीलंका जाने और वो जाने। और श्रीलंका हमसे कहे कि हमारी रक्षा करो तो हमें जरूर करना चाहिए पड़ोसी की रक्षा, क्यों? लेकिन हम इस हिसाब से करते हैं, अरे भैया ये भैया हमारे पड़ोस में आ गया, ये थोड़ा दूर तो रहे, इसलिए हम अभी श्रीलंका को बचाएं। लंका को बचाने के लिए नहीं, अपने को बचाने के लिए। तो शरीर के साथ ऐसा बैर नहीं पालना, उसे लंका जैसा समझना। यदि उसको तोड़फोड़ करने कोई आए तो बचाना, उसे भूख से मरने लग जाए तो शुद्ध सात्विक भोजन दे देना।
मतलब पड़ोसी जैसा व्यवहार करने का मतलब समझे ना, पड़ोसन की तबीयत खराब हो जाए तो अस्पताल ले जाना कि नहीं, उसका इलाज कराना कि नहीं, खाने पीने की व्यवस्था करना कि नहीं, लेकिन पड़ोसन को घरवाली नहीं समझ लेना, तो पड़ोसन समझना। आप समझ गए ना, तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, इस शरीर को उसका पड़ोसी बना के देख, अभी तूने अपने घर में घुसा लिया है, दिक्कत है। और फिर शत्रुता की बात में करने लगता है, कहने लगता है, वो कैसा आता दादा, एक भजन आता है ना, इस काया ने मुझे कितना धोखा दिया है, रे चेतन काया, तो मैंने तेरी तेरी क्या क्या सेवा की, क्यों भजन बोलो ना, क्या तुम्हें नहीं आता, रमेश जी तुम्हें बाप को तो आता है, कैसे बोलते हैं ना, रे धोकन काया, तूने मुझे जगत भरमाया, मैंने तेरी कैसी कैसी सेवा करी, और तुम्हें मैंने दिन रात बुद्ध साहब के साथ सेवन तेरे लिए किया, अवक्ष का भक्षण किया, और आज तू मेरे साथ नहीं चल रही है, अब मैं जा रहा हूँ पर हम मैं तो तुझे चलना पड़ेगा साथ में, ऐसा लंबा जोड़ा भजन है, मुझे एक पंक्ति भी याद नहीं है। इतना ही है यार, तो सही भाव तो पहुंचा ना, तो यहाँ ये कह रहे कि एक बार क्या लिखा ना, हे जगत जन तुम नित्य ही निर्मोह हो, अनुभव करो किसका, जो है प्रकाशित चतुर्दिक उस एक आत्म स्वभाव का, चारों तरफ से प्रकाशित हो रहा, छिपा मिपा नहीं है, उसका एक बार अनुभव करो, माने उसमें अपनेपन का अनुभव करो भाई, और कुछ नहीं करना है, आंखें आंखें बंद करके ऐसे नहीं बैठना, वो अनुभव अनुभूति आएगी नहीं, तो तुम उसमें अपनेपन का अनुभव करो, और बस वो जो अनुभूति होने है वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या गारंटी, क्या कल गारंटी की बात कल करेंगे।